ठीक है, बीच में ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का आपको इस्तेमाल करना है और बॉक्स समझ के इस्तेमाल नहीं करना है। इसको बॉक्स नहीं समझना है आपको। कोई भी चीज़ बनाइए, कुछ भी बनाइए और उसको प्रेजेंट कीजिए। रेडी? कौन आएगा सबसे पहले? कौन आना चाहेगा? आइए। क्या है? रेडियो। हाँ, रेडियो, रेडियो बनाया। ओके, जोरदार तालियां उनके लिए। नेक्स्ट, क्या है? स्टोव। वेरी गुड, जोरदार तालियां। एक अच्छा कर रहे हो आप, उसको बॉक्स की तरह ना देखते हुए कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, यही इस एक्सरसाइज का मकसद है। क्या था? संदूक। ओके गुड, नेक्स्ट। कंप्यूटर, डेस्कटॉप। ओके वेरी गुड। टीवी। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कितने और अलग तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सोचो। ओके, ट्राइसेप मार रहे हो आप, आ जाओ। वेरी गुड, क्या बेच रहे हो आप? पानी लेकर जा रहे हो, तो वो क्या है? मटका। मटका है, वेरी गुड, जोरदार तालियां। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? एक इसके पहले एक्टिविटी कौन सी की थी हम लोगों ने? 1-3 वाला करें? हाँ, 1-3 वाला करने के पहले एक और करते हैं। मैं जो इंस्ट्रक्शन दूंगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। फॉर एग्जांपल, आप ये इमेजिन करो कि आप समंदर किनारे बैठे हो, समंदर किनारे बैठे हो और वो जो मिट्टी है, गिली गिली मिट्टी, वो आपके सामने है और उसको लेके आप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो एक्टिंग नहीं करनी है बनाने की, वाकई आपको बनाना है। रेडी, स्टार्ट। समंदर किनारे आप बैठे हो आराम से, ठंडी ठंडी हवा है, समंदर किनारे जो गीली मिट्टी होती है वो मिट्टी है और आप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो। फील इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके माइंड में रजिस्टर है। जब आप समंदर किनारे गए थे, जब आपने उस चीज़ का इस्तेमाल किया था, वो सब दिमाग में आने दो। डोंट एक्ट, बी इन द मोमेंट और वो करो। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, आराम से, टेक योर टाइम। पूरी सच्चाई के साथ उस मोमेंट में रहना ही एक्टिंग है। डोंट शो, एक्ट। ओके, आप में से कितने एक्टर्स को ऐसा लगा कि वाकई मैंने फील किया कि मैं समंदर किनारे बैठा हूं और मैं वो बना रहा हूं? आप सभी ने फील किया? yes,
ओके वेरी गुड. ठीक है अगला एक्सरसाइज करते हैं. आप प्याज काट रहे हो. लड़कियों को तो इजी जाएगा. प्याज कट कर रहे हो. चाकू लेने से लेके प्याज उठाने तक उसका वजन काटने का तरीका सब चीज़ें प्रॉपरली होनी चाहिए. आपने बहुत सारे एक्ट देखे होंगे जिसमें एक्टर्स बात नहीं करते, सिर्फ बाय देयर बॉडी दे प्रेजेंट देमसेल्फ. जिसको माइम कहते हैं, फेस पर वाइट कलर लगाया हुआ होता है, ब्लैक ड्रेस पहना हुआ होता है और अपने बॉडी के ज़रिए एक्सप्रेशन के ज़रिए वो प्रेजेंट करते हैं. प्याज कट कर रहे हो आप, ये टास्क आपको दिया हुआ है. वाकई जिसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं उसको हम समझ सकते हैं कि ये एक फील के साथ वो एक्टिविटी कर रहा है. अपने YouTube के सब्सक्राइबर भी लाइव क्लास देख रहे हैं. सभी आपको देख रहे हैं. मैं उनके जो सवाल हैं उनके जवाब तो नहीं दे पा रहा हूँ, बट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप सभी ऑनलाइन कुछ सीख सके इस मकसद से मैं ये वीडियो बनाता हूँ. जो हमारे एक्टिंग क्लास की अभी बैच है, उस बैच के ये सभी स्टूडेंट्स हैं जिनका क्लास चल रहा है. सो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ या तो इसको यहीं पर रोक देता हूँ. अगर आपको लगता है मैं कंटिन्यू करूँ वीडियो क्लास ऐसे चलने दे दूँ तो प्लीज़ टाइप एस. वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस. बहुत अच्छा कर रहे हैं. जोरदार तालियां सभी के लिए. एक्टर कैसा होना चाहिए? जैसे पानी होता है ना, किसी भी बर्तन में डाल दिया उसका आकार धारण कर लेता है, वैसा बन जाता है, वैसा ही एक्टर भी होना चाहिए. आपको भी वैसा ही बनना है कलाकार. ठीक है अभी एक गेम खेलेंगे हम लोग जिसमें अगर आप वन कहती हो तो आपको क्लैप करना है, आपको थ्री कहना है. आपको क्लैप करनी है, आपको फाइव कहना है. ठीक है रेडी शुरू करते हैं. कौन बोलेगा वन? किससे शुरू करें? थोड़ा नज़दीक बैठो हमारे सब्सक्राइबर आप सबको देख पाए. ओके परफेक्ट. जो आउट हो जाएगा वो बाहर आएगा. ये जो गेम है इस गेम का पर्पस है आप कितने अलर्ट हो, आपकी मेमोरी कितनी शार्प है, अलर्टनेस के लिए गेम है. ओके चलो बोलो. नया से शुरू करते हैं. रेडी? एक बार सुनो, एक बार गेम शुरू करने के पहले हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हमें लाइव देख रहे हैं, तकरीबन 100 लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, जोरदार तालियां उनके लिए. ओके 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 बस हो गया. अरे बाबा और एक्टिंग नहीं करने का. ओके वो कर्टन हटा दो वहां से. अलर्ट रहो और जो आउट हो जाएगा वो ईमानदारी से बाहर निकल जाएगा. रेडी स्टार्ट. चलो जो आउट हो बाहर और जोर से बोलो. डिजिट जो भी बोलोगे जोर से बोलो. वन चल बाहर. आउट जो आउट है बाहर निकलो. आउट आउट आउट. Out. Five. 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 Five.
चलो भाई ईमानदारी से निकल जाओ, कोई बहुत देखो हमारे सब्सक्राइबर बोल रहे कितना सिंपल है यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ फटाफट। 37, 39, 41, 43। चलो जो आउट हो गया बाहर निकलो, जो भी विनर होगा उसके लिए तालियां। अरे होने दो, पहले पहले होने दो, होने दो। हाँ चलो खड़े हो जाओ, तीसरा भी जाओ, चलो 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 जल्दी। आउट। हाँ चलो फास्ट। वन, हाँ आउट। ओके अब इन दोनों में ठीक है, ज्यादा मजा। ओके 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 ठीक है, दोनों भी जीते, दोनों के लिए जोरदार तालियां। तो ये जो बच्चों बचपन में हम खेलते थे बच्चों वाला गेम, इसके पीछे का मकसद क्या है कि आप जब शूट करने जाओगे तब आपको इंस्ट्रक्शन सुनने हैं प्रॉपरली, एक्शन बोला जाएगा, कट बोला जाएगा, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, आपको स्क्रिप्ट समझाई जाएगी। सो यू हैव टू बी अलर्ट अटेंटिव। ये छोटा सा एक गेम है, अभी एक और करते, दोनों में से एक विनर तो निकालना ही हम लोगों को। उल्टी गिनती नहीं, जेड वाई ए बी सी डी बोलना है, उल्टी सीधी नहीं, नहीं सीधी सीधी इजी है। चलो स्टार्ट। चलो ठीक है, इस गेम का विनर है राकेश। क्या पूरा नाम बताओ, सिटी बताओ। सर मेरा नाम राकेश शाह है, मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ। आसाम से बिलोंग करते हो, ओके। राकेश के लिए जोरदार तालियां। अभी तुम सबको भी एक प्रॉब्लम आता होगा और हमारे सब्सक्राइबर जो है उनको भी एक प्रॉब्लम आता होगा, कॉमन प्रॉब्लम कि कभी कुछ करने की कोशिश करते हो आप और अचानक कोई डिस्टर्ब करे तो आप भूल जाते हो। सब्सक्राइबर के साथ भी यही प्रॉब्लम है जो वीडियो देख रहे लाइव, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा शायद कि कुछ करने की कोशिश करते हो और सामने अचानक कोई आ जाता है और आप भूल जाते हो। तो उसके ऊपर एक एक्सरसाइज है, वो हम लोग करते हैं। कोई भी आओ यहाँ पर, नया आओ सेंटर में, यहाँ पर आओ, ठीक है। अभी ऑडिशन की कोई भी स्क्रिप्ट आपको बोलनी है, जो भी आपको याद है, और आप लोगों को उसको डिस्टर्ब करना है और आपको डिस्टर्ब होना नहीं है। लेट्स सी कौन। सो कंट्रोल होना चाहिए अपने इमोशन पर, फीलिंग्स पर कंट्रोल होना चाहिए। कुछ भी, ये कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ टच मत करो। हाँ दूर से नहीं, वैसे शरीफ है वो आप लोग सब। लेट्स एक्ट के स्टूडेंट, रेडी स्टार्ट, रोल रोलिंग एक्शन। डांस वांस कर सकते हो कुछ भी। ओके ठीक है, जैसे
हंसने का मतलब क्या है? अभी तो मैं जानबूझ के तुम लोगों से ओवर एक्टिंग करवा रहा हूँ कि डिस्टर्ब ऐसा करो कि वाकई वो निकल जाए कैरेक्टर से, लेकिन उसमें भी आपको निकलना नहीं है। अभी आपको बताता हूँ, लड़कियाँ शूट करती है ना, शूटिंग करती है, जब ओपन प्लेस होता है, कई सारे लोग आते हैं, कोई लड़की को टॉन्ट मार रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो वो क्या झगड़ा करेगी सबके साथ? उसको तो अपने शूटिंग पे ही कॉन्सेंट्रेट करना होता है ना। तो आपको इस एक्सरसाइज से ये पता चलता है या आपको प्रैक्टिस हो जाती है कि कोई कुछ भी करे, चिल्लाए, कुछ भी करे, मैं डिस्टर्ब नहीं हो जाऊँ। कौन आना चाहेगा? कौन ऐसा है जो? चलो आ जाओ। और तुम डिस्टर्ब सिर्फ बोल के नहीं कर सकते हो, नाचो उसके सामने, कुछ भी करो। हाँ, तभी तो लैला काम में आई। चलो रोल, रोलिंग एक्शन। चलो हाँ, उसको टच नहीं करना है सिर्फ। ठीक है, काफी हद तक अच्छा किया, जोरदार तालियां आज के लिए। एक एक्टर बनना है तो मेंटली अपने आप को बहुत 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 स्ट्रांग करो। इट्स नॉट लाइक दैट कि एक डायलॉग याद कर लिया, बोल दिया और काम हो गया, ऐसा नहीं है। एक डांस कर लिया और एक्टर बन गया, ऐसा होता नहीं है। अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना होता है। क्लासिकल डांसर्स 8-8, 10-10 साल भरतनाट्यम वो सब सीखते हैं, उनका अपने बॉडी के हर पार्ट पर कंट्रोल होता है, और 8 साल सीखने के बाद उनके जो गुरु होते हैं वो उनको परमिशन देते हैं कि भैया अब तू जा और परफॉर्म कर, और वो भी गुरु के परमिशन के बगैर नहीं करते। एक्टिंग में हम थोड़ा बहुत सीख लेते और निकल जाते हैं, वैसा नहीं करना है। अपने आप को बहुत पावरफुल बनना है, अंदर से स्ट्रांग बनना है, और तभी हमें आगे बढ़ना है। और ये छोटी छोटी जो एक्सरसाइजेस होती है पावरफुल बनाएंगी। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, 5 चीज़ें एक बार फिर से दोहराएंगे और उसके बाद आज का ये अपना जो क्लास है वो ख़त्म करेंगे। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बताऊँ कि आप सब 100 लोग लाइव हो, इसीलिए मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया। असल में 9 बजे क्लास ख़त्म होती है, हमारे डांस के टीचर बाहर वेट कर रहे हैं, लेकिन जबकि आपने भी मुड़ में कुछ चीज़ें बोल दी, सिखा दिया। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे सभी के लिक करो और कमेंट भी करो। ये बात और है कि ये सब गैंग्स ऑफ वासीपुर के एक्टर दिख रहे हैं। सरदार खान, देखो गैंग्स ऑफ वासीपुर बोला तो खुश हो गए, अब दूसरा बोलता हूँ, तिहार जेल के कैदी भी दिख रहे हैं। अजय देवगन, ठीक है। तो कौन सी 5 चीजें हैं जो अपने को सीखना या समझना जरूरी है? नंबर 1, माइंड, मतलब पॉजिटिव माइंड। 5 चीजों में ही एक्टिंग छुपी हुई है, या 5 चीजों पर ही एक्टर को काम करना पड़ता है। पहली क्या है? पॉजिटिव माइंड। क्या है? नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हम दिखते हैं, और हम अपने एक्ट के जरिए एक मीनिंग ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। तो 2nd इज बॉडी लैंग्वेज। 3रा एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन, ये टीवी की तरह मॉनिटर है अपना चेहरा, उस पर अगर कोई भाव ही नहीं आ रहा है तो कोई अपने को भाव नहीं। नंबर 4, वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब है वॉइस, आवाज़, क्योंकि आवाज़ के जरिए तो रेडियो पर बैठा हुआ बंदा, रेडियो घंटों तक लोग सुनते रहते हैं बिकॉज ऑफ हिज वॉइस। सिंगर्स का एग्जाम्पल लीजिए, किशोर कुमार, रफ़ी साहब, इनके सॉन्ग्स में कौन हीरो था हमें पता नहीं, कौन हीरोइन थी पता नहीं, लेकिन हमें उनकी आवाज़ की वजह से वो गाने पता है। तो वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कमल हसन बहुत सारे फिल्मों में अपनी आवाज़ बदलता है, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आवाज़ बदलता है। अगर आप किसी 60-70 साल के बुढ़े का रोल कर रहे हो तो आपको आवाज़ बदलनी होगी। आमिर खान 3 इडियट में कॉलेज गाय का रोल कर रहा है, कॉलेज के लड़के का रोल कर रहा है, तो बात करने का तरीका अलग है। गजनी में एक खतरनाक कुछ डिफरेंट कैरेक्टर कर रहा है तो आवाज़ अलग है। मंगल पांडे करेगा तो आवाज़ अलग है, 3 इडियट्स करेगा तो आवाज़ है।
अलग है. और लास्ट थॉट प्रोसेस. थॉट प्रोसेस. थॉट प्रोसेस मीन्स इमेजिनेशन. थॉट प्रोसेस मतलब एक विचार होना चाहिए. कोई भी फोटो बगैर एक्सप्रेशन के डेड है. कोई भी फोटो बगैर एक्सप्रेशन के डेड है. कोई भी एक्टिंग बगैर थॉट के डेड है ना. अगर आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव, नसीरुद्दीन शाह या कंगना ये सब लोग पसंद आते हैं तो क्यों आते हैं? क्योंकि वो सतही तौर पे एक्टिंग नहीं करते. एक होती इलस्ट्रेटिव एक्टिंग मतलब दिखावटी कि मैं कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ ना, और एक होती है कि जो एक होती है जिसमें आप फुल ऑन उस कैरेक्टर में होते हो और आपको देख के लगता है कि ये एक्टिंग कर ही नहीं रहा है. जिस दिन वो लेवल आपकी आएगी कि आपको देख के कोई कहेगा कि यार तू लगता ही नहीं कि तू एक्टिंग कर रहा है, तब समझना कि आप एक्टिंग की जो एक्टिंग का जो खेल है इस खेल में पहले पायदान पर आ गए हो और वहाँ से असली रेस शुरू होती है. आज बच्चन साहब से लेके नसीरुद्दीन शाह या हॉलीवुड बॉलीवुड के सभी एक्टर, उनकी रेस क्या है पता है क्या? उनकी रेस पैसा कमाना नहीं है. उनकी सब जद्दोजहद क्या लगी है कि वो रियलिस्टिक एक्टिंग, वो सच्चाई के साथ परफॉर्मेंस मैं कब दे पाऊँ. कुछ एक्टर ने दे दिया, कुछ एक्टर और आगे जाना चाहते हैं, तो वही रेस है सब. और उसके पीछे लोगों की जिंदगियाँ चली गई. डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप कितने फास्ट लर्नर हो, आप कितने मेहनत के साथ अपने ऊपर काम करते हो, उससे बात बनेगी. ठीक है, इतना ही बोल के मैं मेरा भाषण खत्म करता हूँ. जोरदार तालियां है मेरे लिए. हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं लाइव, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए जोरदार तालियां. चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो मेरे लिए, नहीं मेरे सभी.